सो गाइस यहां पे प्रो कबड्डी का जो मीडिया राइट्स का ऑक्शन जो 5 अप्रैल को होने वाला था उसका डेट हो चुका है पोस्टपोन्ड, यानी कि अब आपको प्रो कबड्डी का मीडिया राइट्स का ऑक्शन 5 तारीख को नहीं दिखेगा। एंड बहुत सारे डेट्स को आगे बढ़ाया गया है, किस वजह से बढ़ाया गया है, आखिर क्या रीजन है और आखिर कब हमें प्रो कबड्डी का मीडिया राइट्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला। तो गाइस वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक्सोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत दिनों के बाद फाइनली यहाँ पे हमें प्रो कबड्डी का कोई अपडेट देखने को मिला था, जो मीडिया राइट्स का ऑक्शन होगा। देन इसके बाद हमें लगा कि प्रो कबड्डी बहुत ही जल्दी हमें स्टार्ट दिखेगा और यहाँ पे पता चला कि 5 तारीख को हमें मीडिया राइट्स का ऑक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे मेन दिक्कत ये आ रही है कि जो भी डेट्स थे यहाँ पे बहुत सारे डेट्स थे, जैसे कि ITT डॉक्यूमेंट खरीदने का एक डेट था, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का डेट था एंड मीडिया राइट्स का जो ऑनलाइन ऑक्शन था उसका भी हमें डेट पता चल गया था, लेकिन वो जो तीनों डेट से उससे आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको नए डेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस जो परचेसिंग डेट था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहले हमें पता था कि 22 मार्च को लास्ट डेट था परचेस ITT डॉक्यूमेंट खरीदने का, लास्ट डेट था जो 22 मार्च था, उससे बढ़ा के अप कर दिया गया है 2 अप्रैल तक। एंड यहाँ पे जो दूसरा था, जो मतलब कि जो ITT डॉक्यूमेंट जो भी खरीदा है उसको सबमिट करने का जो लास्ट डेट था वो यहाँ पे था 2 अप्रैल और यहाँ पे उसको बढ़ा के कर दिया गया है 12 अप्रैल। एंड यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑक्शन है जो 5 अप्रैल को होने वाला था वो अब हमें देखने को मिलेगा 15 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो तीनों ही डेट थे उसे 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसमें से जो परचेसिंग का था वो तो ख़त्म हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे 22 मार्च लास्ट डेट था, यहाँ पे आप 30 मार्च है, तो यहाँ पे अब हमें और वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो 5 अप्रैल को ऑनलाइन ऑक्शन होने वाला था अब हमें 15 अप्रैल को दिखेगा। अब इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों 10 दिन बढ़ाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है। अब केस फाइल क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों एमेचर फेडरेशन कबड्डी ऑफ इंडिया ने, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में AKFI एंड जो मसाल स्पोर्ट्स जो कबड्डी के प्रोमोटर है आप सभी को पता होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें 8 अप्रैल को देखने को मिलेगा, यानी कि जो केस फाइल हुआ है उसको हमें 8 तारीख को पता चल जाएगा क्या रिजल्ट निकल के आया है। अब केस का रीज़न मैं आपको बता दे दूंगा, इस यहां पे जब प्रो कबड्डी लीग स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में भी सीजन 1 से जब स्टार्ट हुआ था, तो गाइस यहां पे डील हुआ था AKFI एंड मसाल स्पोर्ट्स के बीच में कि यहां पे 10 साल तक जो भी यानी कि मसाल स्पोर्ट्स मैनेज करेगा प्रो कबड्डी को इंडिया में, यानी कि यहां पे मसाल स्पोर्ट्स सीधा से बोलूं तो प्रो कबड्डी सीजन 1 से लेके प्रो कबड्डी सीजन 10 तक मैनेज करेगी। अब यहां पे आपको पता होगा कि यहां पे 7 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पे इसमें आरोप वाली क्या बात है मैं आपको बता देता हूं, जो पेटिंसर है उन्होंने यही आरोप लगाया गया कि जो दोनों ही पार्टीज है यानी कि AKFI एंड मसाल स्पोर्ट्स है उनमें इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब यहां पे दोस्तों पेटिशनर पार्टिशनर मतलब आपको पता होगा यहां पे कोई भी कोर्ट में लीगल एक्शन यानी कि कोई भी केस फाइल करता है उससे यहां पे पेटिशनर कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमें लेना देना नहीं है क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉपिक यही है कि जो दोनों ही मतलब कि कंपनीज है यानी कि मसाल स्पोर्ट्स एंड जो AKFI है उनके बीच में मतलब कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे पता नहीं अब सच में चल रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट तो हमें 8 तारीख को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या हो सकता है वो तो वही जाने किस हिसाब से था। अब यहाँ पे इसी रीजन के कारण यहाँ पे 10 दिन बढ़ा दिया गया है तीनों, यानी कि 15 अप्रैल तक हमें अब और भी बढ़ सकता है यहाँ पे, लेकिन अब 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आगे बढ़ेगा या फिर 15 तारीख को हमें मीडिया राइट्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि और क्या क्या रीजन से, अब धीरे धीरे आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो आर्टिकल पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको अपने वीडियो में भी स्क्रीनशॉट दिखाया है, प्रूफ दिखाया है कि आखिर क्या कहा गया है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आर्टिकल का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि यहाँ पे प्रो कबड्डी के ऑक्शन डेट एंड स्टार्टिंग डेट को कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें ऑफकोर्स जून जुलाई से ही प्रो कबड्डी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चाहे कितना भी लेट हो जाए यहाँ पे हमें जुलाई से ही प्रो कबड्डी स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे जो केस फाइल हुआ था जो इनवैलिड के वजह से थे, अब अगर वो रॉन्ग साबित हो जाता है तो यहाँ पे मीडिया राइट्स का ऑक्शन देना हमें ऑक्शन डेट पता चल जाएगा।
सो गाइस यही एक बड़ी अपडेट निकल के आई है अभी प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स के ऑक्शन को लेके। बस होप करना है कि सब सही जाए एंड यहाँ पे हमें प्रो कबड्डी का ऑक्शन हमें देखने को मिल जाए। सो गाइस फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको थोड़ी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन है इंटरेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। गुड बाय।